इस वीडियो में हम अपनी MCQs वीडियोस वाली सीरीज को थोड़ा और आगे लेके चलेंगे और ये है हमारा पार्ट 3। ठीक है, हम इसमें कुछ और एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे MCQs। तो सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि व्हिच इंटीजर इज क्लोजेस्ट इन वैल्यू टू 35/4। हमारे पास ऑप्शन है 10, 8, 9, 7, क्योंकि हमें इंटीजर पूछ रहा है, वरना पॉइंट्स में, क्योंकि इसका आंसर तो आएगा तो हमें पॉइंट्स में भी पूछ सकता था। तो अगेन आपके पास 5 सेकेंड है, आप सॉल्व ट्राई करें सॉल्व करने का। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। क्या आप इसको सिंपली जो है डिवीजन है, आप डिवीजन में करते तो इसका 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 पॉइंट क्या आएगा। ठीक है, सोचें, सीधा हमारे पास 7 आ जाएगा। यस, 8.7। अब ये देखें कि किसके क्लोजेस्ट है, कौन से इंटीजर के, इसके क्लोज है, इसके क्लोज है, इसके क्लोज है या इसके क्लोज है। अगर हम फोकस करें तो 8 से बड़ा है और 9 से छोटा है। फिर आपने अगर वो कन्वर्जन पढ़ी होगी, जो कन्वर्जन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, राउंड ऑफ, हम जो राउंड ऑफ करते हैं, तो राउंड ऑफ करके इसको हम 9 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 35/4 के क्लोजेस्ट इंटीजर में से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाली बात है इसमें। ठीक है, सो गौर से देखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज़ एन इवन वैल्यू फॉर एवरी एन। हर एन के लिए हमारे पास जो है ना इवन वैल्यू आना चाहिए, और हमारे पास एक्सप्रेशन कौन सी है, 3n, n+2, n-12, n2n-2। आपके पास अगेन 5 सेकेंड है, सॉल्व करें। तो सिंपली इसको हम ट्राई एंड एरर मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सिंपली हमारे पास एन कोई भी इवन नंबर है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 2 पुट कर लिया, ठीक है, तो हमारा जवाब क्या आएगा, 6। लेकिन जब हम इसमें 1 पुट करते हैं तो 1 × 3, 3 बन जाएगा, जो कि इवन नहीं है। ठीक है, फिर अगर 1 पुट करते हैं सीधा तो ये भी ऑड बन जाता है। यहाँ पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये भी क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। यहाँ पे हम 1 पुट करें तो 2 − 2, 0। 0 काफ़ी बक्स जो हैं वो इवन नंबर्स में कंसिडर करते हैं। लेकिन हम दूसरा ट्राई करते हैं, 2 हम पुट करके देखें, 2 × 2 = 4, 4 में से 2 गए 4, ये भी इवन है। 3 पुट करेंगे, 3 × 2 = 6, 6 में से 2 गए, फिर भी हमारे पास 4 इवन बचेंगे। तो हमारा ये जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हमारे इस एक्सप्रेशन में कोई भी हम एन का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो इवन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 10 इन टोटल, और इस लेक्चर का दूसरा क्वेश्चन हो गया। और हमारे पास 11th क्वेश्चन है, जो ये हमारे आज तक के जो लेक्चर्स हैं, ये तीसरा लेक्चर है आई गेस। तो इसमें से सबसे जो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है ना, वो यही है। तो उसको आप थोड़ा फोकस से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 5 स्टूडेंट्स रन इन अ रेस, रियाज वॉज फास्टर देन हसन एंड फेज, हसन वॉज स्लोअर देन फेज, ताहिर वॉज फास्टर देन रियाज बट स्लोअर देन उमर, व्हिच स्टूडेंट फिनिश्ड फोर्थ। कौन सा स्टूडेंट है जो चौथे नंबर पे आया होगा रेस में। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है फैज़, हसन, उमर और रियाज, चौथे नंबर पे कौन सा जो वो स्टूडेंट होगा। ठीक है, तो आपके पास अगेन 5 सेकेंड्स हैं। अब इस प्रॉब्लम को भी हर एक बंदा अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सॉल्व करेगा, लेकिन मैंने जिस तरह सॉल्व किया है आपको भी वही बताता हूँ। सिंपल क्या बोल रहा है, रियाज वाज फास्टर देन हसन एंड फैज़। ठीक है, तो रियाज फर्स्ट पे आ गया यहाँ तक, और हसन और फैज़ इसके बाद है। ठीक है, हसन वाज स्लोअर देन फेज। ठीक है, ये रियाज मतलब फर्स्ट पे ही रहा इन दोनों में से, हसन जो है वो स्लोअर है फेज से, तो फेज क्या होगा, सेकंड पे आ गया और हसन तीसरे पे चला गया। फिर क्या बोल रहा है, ताहिर वाज फास्टर देन रियाज, रियाज से फास्टर क्या हो गया, ताहिर हो गया, बट स्लोअर देन उमर, तो उमर मतलब सबसे तेज हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पे उमर आ गया, सेकेंड पे ताहिर, थर्ड पे रियाज, फोर्थ पे जो हमारा है फेज, और फिफ्थ पे हसन। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हिच स्टूडेंट फिनिश्ड फोर्थ, चौथे नंबर पे कौन से स्टूडेंट ने जो है वो फिनिश किया, मतलब रेस खत्म हुई तो फोर्थ नंबर पे, तो ये सिंपली फेज हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, फेज। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट भी पूछ सकता था कि फर्स्ट कौन हुआ, तो उमर कर देते, सेकेंड पूछता ताहिर हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहा है, हु फिनिश्ड एट फोर्थ, तो वो हो जाएगा सिंपली फेज। ठीक है, अब फिर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपली द एक्सप्रेशन y³ + y³ = n2। ये हमने जो हमारा लेक्चर था
एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन, उसमें भी हमने एडिशन किए थे इनकी, ठीक है। तो सिंपली आप इसको 5 सेकेंड, ऑप्शन क्या है, 2y पावर 6, 2y³, y पावर 6, y पावर 9। अब मुझे पता है काफ़ी जल्दबाज बच्चे होते हैं, वो सिंपली क्या कर देते हैं, y पावर 6 कर देते हैं, ठीक है। आप देखते हैं क्या करते हैं, 5 सेकेंड्स हैं आपके पास। तो सिंपली इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2y³ हो जाएगा, क्योंकि एडिशन एक्सप्रेशन की हम उसमें पावर सेट नहीं करते, सिंपली जो इनके कांस्टेंट होते हैं सामने वो ऐड करते हैं, 1 इसका 1 इसका, 2y³, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड लेक्चर MCQs का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस MCQ सीरीज़ को और आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।